शक्ति तो एक ही है, वो हिमाचल में पार्वती कहलाई, राजा दक्ष के घर जन्मी तो सती कहलाई, और जनकपुर में उसका जन्म सीतामढ़ी में जनकपुर में हुआ, जनक जी की पुत्री के रूप में हुआ तो सीता कहलाई। वो शक्ति है, वो भी आदि शक्ति है। ये पांच के तत्व है, पांच तत्व हैं। भगवान विष्णु तत्व है, एक शक्ति तत्व है, शिव तत्व, गणेश और सूर्य, ये पांच तत्व। तो ये दोनों तो आपस के रिश्ते इनके कभी टूटते नहीं, और इस रूप में भगवान राम और माता जानकी पति और पत्नी के रूप में त्रेता युग में एक बने, ये भारत की एकात्मता का दर्शन कराता है। इस संपूर्ण क्षेत्र की, भारत, नेपाल और जो पास पड़ोस के सब देश हैं, वो सब एक ही मान्यताओं को, एक ही सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देने वाले देश हैं।